वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल बीएसटीसी प्री डीएलएड 2022 के लिए, जिसमें आपको टॉप 50 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के क्वेश्चन मिलने वाले हैं और डेली आपको लाइव क्लास मिलेगी। तो जितने विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो बात करें आज सिलेबस की, तो सिलेबस इसमें क्या है, सिलेबस की बात करें तो इसमें क्या आएगा आपको, 50% रीजनिंग के आएंगे, 50% रीजनिंग के और 50% जीके के और 50% मनोविज्ञान के। वही बात करें तो 50% हिंदी प्लस अंग्रेजी, यानी कितने क्वेश्चन हो गए, 200 प्रश्न हो गए। कितने नंबर के, 200 × 3 यानी 600 नंबरों की होगी। कुल 600 नंबर में से आपको बीएसटीसी के लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, पास में कॉलेज चाहिए, तो आपको लगभग 450 नंबर है प्लस बनाने होंगे, जिसमें आपको क्या है जीके के क्वेश्चन 50 आएंगे, जिसमें से जीके के क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। क्योंकि 50 क्वेश्चनों में से आपको लगभग 45 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन आपके जीके के सही होने चाहिए, तभी आप जो है पास में कॉलेज ले सकते हैं। बाकी हिंदी के लिए और उसके लिए तो आपके लिए स्पेशल क्लास दी जाएगी। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली बीएसटीसी मॉडल पेपर का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हूबहू एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन उठाकर 50 क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कि एग्जाम में सीधे ही छपेंगे। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन आएगा ये, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे पर थी। तो ये कालीबंगा सभ्यता है किस जिले में है, ये पूछा जाए तो हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पे है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर है कालीबंगा सभ्यता। और किस नदी के ऊपर है, सरस्वती नदी के ऊपर है, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या पे है, कालीबंगा सभ्यता इसके ऊपर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया, तो ये आपको याद रखना है। और तीनों क्वेश्चनों में से या तो पूछा जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी पर है, घग्गर नदी पर, या पूछा जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले के अंदर है, तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर, और काले रंग की चूड़ियाँ का संबंध किस सभ्यता से है, तो कालीबंगा सभ्यता से है, और जूते खेत के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। आगे बात करेंगे दो नंबर क्वेश्चन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता है कवि महेश के द्वारा कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो इसी प्रकार के सरल क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना है। तीन नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में बीकानेर को जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, किसे, जंगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक बीएसटीसी के एग्जाम पीछे हुआ है उसमें पूछे गए हैं ये कालीबंगा सभ्यता और बीकानेर वाला। आगे बात करेंगे चार नंबर क्वेश्चन की, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये उदयपुर के अंदर है और ये रट लेना, पक्का एग्जाम में पूछा जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के जो है कहाँ पे है, संस्थान है उदयपुर के अंदर, और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना, नहीं तो कल मैं इसका जवाब आपको दूंगा। पांच नंबर क्वेश्चन की बात करें, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है ये ओसिया के मंदिर है कहाँ पे, पहली बात तो जोधपुर के अंदर है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओसिया के मंदिर किस जिले के अंदर है, तो जोधपुर के अंदर है। तो किसने निर्माण करवाया, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, तो प्रतिहार जो शासक थे उनके द्वारा ओसिया के मंदिरों का निर्माण जोधपुर के अंदर करवाया गया था। आगे बात करेंगे छः नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की मुख्य जो है खान, यहाँ पे खदानी नहीं है, खान कहाँ पर स्थित है, रॉक फॉस्फेट की प्रमुख जो खान है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये झामर कोटड़ा के अंदर है। कहाँ पे, झामर कोटड़ा के अंदर स्थित है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, पक्का रॉक फॉस्फेट से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, तो बीएसटीसी में पक्का पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे सात नंबर क्वेश्चन की, ऊपरमाल क्या है, तो ये ऊपरमाल है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य उच्च भाग को क्या कहा जाता है, ऊपरमाल कहा जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आठ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? तो सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम है होता है, तो ये आपको याद रखना है, सेवर की पहाड़ियों से साबी, सह से सह मिलान कर लेना, सेवर की पहाड़ियों का किस नदी का उद्गम होता है? साबी नदी का उद्गम है होता है। नौ नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी अवस्थित है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर स्थित है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर स्थित है। दस नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती है, उत्खात स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती है? इसी प्रकार के आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, तो ये धौलपुर तथा स्वाई माधोपुर के अंदर उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है, और ये मोस्ट हो जाता है, पढ़ लेना। आगे बात करेंगे, राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पोटरी के लिए जाना जाता है? तो ब्लू पोटरी के लिए आपको पता है जयपुर को जाना जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ब्लू पोटरी जयपुर को जाना जाता है। आगे बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है तबीजी अजमेर के अंदर। कहाँ पर? तबीजी अजमेर के अंदर। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान में सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो सेवर भरतपुर के अंदर है, ये भी मोस्ट है, पूछा जाता है बीएसटीसी के एग्जाम में। आगे बात करेंगे, सूड प्रबंधक के लेखक कौन है? दो या तीन से तो आपको लेखक या ग्रंथ पूछे जाएंगे, पक्का है बीएसटीसी के एग्जाम में। सूड प्रबंधक के लेखक कौन है? तो सूड प्रबंधक के लेखक है महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा का ये सूड प्रबंधक, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? तो ये सीकर जिले के थे, मोस्ट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीकर जिले से बिलोंग करते थे डूंगर जी व जवाहर जी। आगे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की, एकीकरण से संबंधित है, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ का उद्घाटन जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की जो है उद्घाटन किया गया था, जिसमें चार रियासत को शामिल किया गया था, ए बी सी डी, अलवर, करौली और धौलपुर और भरतपुर, तो ये जो है शामिल की गई थी इसके अंदर चार रियासतें, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? आपको पॉलिटिकल से संबंधित राज्यपाल पढ़ना है और मंत्रिपरिषद पढ़ना है और विधानसभा पढ़ना है और पंचायती राज पढ़ना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, और एक राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ना है कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं और कुल मिलाकर कितनी सीटें हैं। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाता है। आगे बात करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल के समाधान की शक्तियाँ वर्णित है? तो समाधान की शक्तियाँ किस में वर्णित है? तो अनुच्छेद 161 के अंदर जो है राज्यपाल के समाधान की शक्तियाँ वर्णित है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं डेली आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है कला संस्कृति से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड और भूगोल से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन 50 में डेली लेकर आऊँगा, यानी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, जब तक जो है मॉडल टेस्ट आएंगे हमारे, और 10 अगस्त से जो है बीएसटीसी के जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, तो जितने विद्यार्थी 12वीं कर लिए, जिन विद्यार्थियों ने, तो वो इच्छुक है टीचर की भर्ती में जाने के लिए, तो उन्हें क्या है, ये बीएसटीसी की डिग्री करनी पड़ेगी। आगे बात करेंगे, राजस्थान की विधानसभा की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 200 निर्धारित की गई थी? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये छठी विधानसभा के अंदर जो है 200 संख्या बढ़ा दी गई थी, तो ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहां पर किया गया था? तो ये नागौर में किया गया था, राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। आगे बात करेंगे, पंचायत राज व्यवस्था है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं लेकर आया था, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय शासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, तो ये पंचायती राज क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, मोस्ट कर लेना, पक्का पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, हरियाली तीज बनाई जाती है, अभी हाल ही में हरियाली तीज मनाई गई थी, तो हो सकता है बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा जा सके, तो ये आपको याद रखना है कि हरियाली तीज कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को क्या है, हरियाली तीज मनाई जाती है।
22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मारवाड़ में दामिनी क्या है। मारवाड़ में दामिनी क्या है, मैं बता दूं BHTC के एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन कला संस्कृति से रिलेटेड आएंगे और पढ़कर जाना, बहुत अच्छा आएंगे और मैं डेली ये वीडियो देखकर जाऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो दामिनी क्या है, मारवाड़ में दामिनी क्या कहा जाता है, तो ये ओढ़नी का प्रकार है। क्या है, ओढ़नी का एक प्रकार है दामिनी। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, आभूषण से आभूषण और नृत्य अच्छे से रट जाना, पक्का 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे। तिमिनिया नामक आभूषण पहना जाता है, डेली मैं 1 आभूषण या 2 आभूषण के क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तिमिनिया नामक आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है, तिमिनिया कहाँ पर पहना जाता है, गले में, कहाँ पर, गले में तिमिनिया नामक आभूषण पहना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, मेमंद बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पे, कहाँ पे, सिर के ऊपर पूछा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, करगनी कणकति तागड़ी कंडोरा आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करगनी कणकति तागड़ी और कंडोरा, तो ये पहने जाते हैं कमर के अंदर, तो ये कमर के अंदर पहने जाते हैं, ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है, तो डामोर जाति डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर डामोर जाति अधिकतर पाई जाती है। आगे बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी, तो राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1979 को जो है राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। आगे बात करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की, राज्य का पहला क्या है, राज्य का पहला हेरिटेज होटल है, तो अजीत भवन जोधपुर को क्या है, राज्य का पहला हेरिटेज होटल के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है, तो निमाड़ी व रागड़ी जो है हड़ौती बोली की विशेषता है। यहाँ से 1 क्वेश्चन पक्का आएगा बोली से, मैं आज ये दे दिया है, निमाड़ी और रागड़ी आपको याद रखना है, हड़ौती से रिलेटेड है ये, हड़ौती बोली की विशेषता है निमाड़ी और रागड़ी। आगे बात करूँगा, मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ लिखा था, मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था, ग्रंथ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनत नेणसी द्वारा मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ लिखे गए थे। आगे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान के कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो राजस्थान का जोधपुर जिले के अंदर जो है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है। आगे 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो वराह मंदिर का निर्माण अर्णोराज द्वारा करवाया गया था, कहाँ पे है ये, पुष्कर के अंदर स्थित है अजमेर में। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, लोनी जोधड़ी इसकी सहायक नदी है, बनास बनास की सहायक नदी मैनाल है, माही बाणगंगा चंबल पार्वती, तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, माही नदी की सहायक नदी बाणगंगा नहीं है, बाकी सब मिलान हो रहा है, लोनी की जोधड़ी नदी है, बनास की मैनाल नदी है और चंबल की पार्वती नदी है, लेकिन माही की बाणगंगा नदी सहायक नहीं है। आगे बात करेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य की भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य जो भाग है उस भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो उस भूभाग को क्या कहते हैं, मेवल कहते हैं, मेवल के नाम से जाना जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो राजस्थान में गुरु शिखर जो चोटी है सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही के अंदर, उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, कितनी है 1722 मीटर गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है, और ये कहाँ पे है, माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, उदयनाथ पर्वत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपको उदयपुर भी मिलेगा लेकिन मैंने नहीं दिया है, उदयनाथ पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो ये है सीकर के अंदर, कहाँ पे है, सीकर जिले के अंदर स्थित है उदयनाथ पर्वत, ये उदयपुर मत कर देना, उदयनाथ पर्वत सीकर के अंदर और मोस्ट पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस जिले में होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन जो है कहाँ पे होता है, श्री गंगानगर जिले के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है, जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है।
आगे बात करेंगे 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को कितनी ब्रिटिश छावनियों में विभाजित किया गया था, तो कितनी विभाजित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा 6 छावनियाँ थी। कितनी? 6 छावनियाँ थी 1857 के विद्रोह के समय, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की, स्वतंत्रता सेनानी हीरा लाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हीरा लाल शास्त्री जो बिलोंग करते थे वो जयपुर जिले से बिलोंग करते थे, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की बात, निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? इसी प्रकार की 20 के अंदर एग्जाम में पूछे जाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको ऑप्शन में सेम जो है आंदोलन मिलेंगे, जैसे एक्की आंदोलन, बिजोलिया, बेंगू, दूध वाखारा आंदोलन, तो इसका आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन जो है राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, जो कि बहुत ही लंबे समय तक चला था, ये आपको रखना। और ये यहाँ पे है दूधवा खारा किसान आंदोलन, कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर हुआ था। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की, मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता की बात करें तो मारवाड़ किसान आंदोलन का, तो इसका आंसर हो जाएगा जयनारायण व्यास को मारवाड़ किसान आंदोलन का नेता माना जाता है। आगे बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की, नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। किस जो आंदोलन को नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है, तो ये कहा जाता है निम्मू चाणा हत्याकांड को, जो कि अलवर के अंदर हुआ था, ये आपको याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? सीकर की कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरी देवी, सीकर से बिलोंग करती है, तो सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता के रूप में जानी जाती है। आगे बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की, धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे विधि शंकर त्रिवेदी। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो धौलपुर प्रजामंडल के विधि शंकर त्रिवेदी जो है इसके अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखना है। ये थे, इसका आंसर ये हो जाएगा कृष्णदत्त पालीवाल। क्या हो जाएगा? कृष्णदत्त पालीवाल, इसका आंसर सी हो जाएगा, कृष्णदत्त पालीवाल जो है प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? 1905 की बात है, जयपुर के अंदर है ये वर्धमान पाठशाला, कहाँ पे है? जयपुर में। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी द्वारा, इसकी स्थापना की जाती है। आगे बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? किसका निर्माण करवाया था रावल जैसल भाटी ने? तो ये करवाया था सुनार किला, जो कि जैसलमेर के अंदर है। आगे बात करेंगे, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? ये देखो, सुवर्णगिरी किसे कहा जाता है? तो ये है जालौर के किले को कहा जाता है, सुवर्णगिरी जालौर के किले को, और सोनार का किला किसे कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे, रम्मत लोक नाट्य को निभाने वाले पात्र को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है खेलर के नाम से जाना जाता है। और ये रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से रम्मत प्रसिद्ध है बीकानेर की। आगे बात करेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की, चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? चरी लोक नृत्य की बात करें तो ये राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये किया जाता है किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कहाँ पे? किशनगढ़ अजमेर के अंदर चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के जिले में किया जाता है। आगे बात करेंगे, उदयसागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आयर नदी। कौन सी? आयर नदी उदयसागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी है। आगे बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है, और ये मोस्ट कर लेना, पक्का पूछा जाएगा 20 के अंदर। तो राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आती है ये शीतकालीन वर्षा, ये आपको याद रखना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएससी एग्जाम के लिए थे मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, और डेली वीडियो आपका लाइव मिलेगा। और जितने विद्यार्थी बीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर देखें, आपको अगर आप 40 से 45 या 50 के 50 क्वेश्चन सही करने हैं तो यहाँ से ही क्वेश्चन छप जाएंगे। और लास्ट
10 से 15 दिन में आपको मैं जितने भी राजस्थान की मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, राजस्थान में कौन क्या या नवीनतम कोई बावड़ियाँ बनी हैं या नवीनतम कोई टाइगर रिजर्व का निर्माण हुआ है, तो वो आपको मैं स्पेशलिस्ट चैनल पर आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, जहाँ से क्वेश्चन देखिए जीके में से 50 क्वेश्चनों में से आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आने वाले हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को कवर करना है और यही आपको जो है 15 से 20 नंबर आपको जो है आपके कॉलेज के नज़दीक ले जाने वाले हैं। तो मैं डेली वीडियो इसका अपलोड कराऊंगा, लेकिन आपको पहले मॉडल टेस्ट डेली आपको मिलने वाला है और उसके बाद हम हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आपको डेली उपलब्ध करवाने वाले हैं। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको प्रताप क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी।